राज्य सरकार ने योजना का नाम बदलने को लेकर जारी किए हैं आदेश। अब खाने की थाली में मिलेट्स यानी कि श्री अन्न भी किया गया शामिल। अब 450 ग्राम की जगह 600 ग्राम थाली में मिलेगी भोजन सामग्री। 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और अचार के साथ मिलेट्स भी किया शामिल। अब राज्य सरकार प्रति थाली 17 की जगह 22 रुपए देगी अनुदान। लाभार्थी को पूर्व की भांति 8 रुपए में ही मिलेगी भोजन की थाली। राज्य सरकार ने संचालित रसोइयों की समीक्षा के बाद ये बदलाव किया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, इंदिरा रसोई की जगह अब श्री अन्नपूर्णा रसोई का नाम देने की योजना है, क्या कुछ इसको लेकर और बदलाव किए गए हैं? क्योंकि नाम भी यहाँ पर बदल दिया गया है लेकिन जो रेट्स है वही बनाई रखी है। देखिए, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ योजनाओं के नाम बदलने का काम भी शुरू हो गया है। कल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी कार्यालय की बैठक में एक कह सकते हैं कि बड़ा ऐलान किया था। और जो 20 महीने पहले जो अशोक गहलोत सरकार ने अगस्त 2020 में इंदिरा रसोई की शुरुआत की थी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने, लेकिन 40 महीने के बाद में अब भाजपा सरकार ने इस श्री अन्नपूर्णा रसोई के नाम से गरीबों को सस्ता भोजन है वो खिलाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है नाम बदलने के साथ इसमें और भी बदलाव किए गए हैं। अब तक एक भोजन 8 रुपए में भोजन की जो थाली मिलती थी वो पूर्व की भांति 8 रुपए में मिलेगी, लेकिन उसमें अब उसकी जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई है और गुणात्मक जो कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी है उस पर जोर दिया गया है। अब तक इसमें मोटा अनाज शामिल नहीं था, लेकिन इसमें अब 100 ग्राम मोटा अनाज भी शामिल किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते ही है कि अन्नपूर्ण कह सकते हैं कि मिलट्स है, मोटा अनाज है वो बेहद आवश्यक है और ये मिलट्स अब जो 8 रुपए की थाली है उसमें मिला करेगा। साथ में एक बदलाव वो किया गया है कि अब तक राज्य सरकार इस पर 17 रुपए अनुदान वहन करती थी, लेकिन अब 22 रुपए अनुदान है वो दिया जाएगा, यानी कि 22 रुपए राज्य सरकार अनुदान देगी, 8 रुपए जो लाभार्थी है उसके दिए जाएंगे। इस तरह ये पूरी जो थाली है वो 30 रुपए की होगी। इसमें कह सकते हैं कि 450 की जगह 600 ग्राम भोजन की मात्रा रहेगी और प्रति थाली में, जिसमें कह सकते हैं जो सब्जी है, दाल है, इसके अलावा अचार है, चपाती है, पहले कम आती थी लेकिन अब चपाती की जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई है। साथ में 2 ग्राम मिलट्स है वो इसमें शामिल किए हैं। राज्य सरकार कल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ऐलान किया और आज राज्य सरकार ने इसकी जो डायरेक्शन है वो जारी कर दी है। प्रदेश में जो 1000 के करीब शहरी क्षेत्रों के अंदर जो इंदिरा रसोई के नाम से संचालित थी, अब उनके आगे श्री अन्नपूर्णा रसोई लिखवा दिया जाएगा, पोर्टल पर नाम बदलाव हो जाएगा और साथ में जो होर्डिंग और प्रचार प्रसार की जो सामग्री है उस पर भी अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से इसको प्रसारित किया जाएगा। बदलाव इसलिए किया गया है, आपने देखा होगा कि अभी हाल में जो मुख्यमंत्री इंदिरा सिलेंडर योजना गैस सब्सिडी, उसका भी इंदिरा सिलेंडर सब्सिडी योजना उसका नाम कर दिया गया, यानी कि उसके आगे से इंदिरा हटा दिया गया। इसी तरीके से रसोई इंदिरा रसोई योजना थी इसका, क्योंकि वसुंधरा सरकार थी उस समय इसका नाम अन्नपूर्णा योजना ही था और अब इसकी वापस से सत्ता में बीजेपी आई है तो इसका नाम फिर से अन्नपूर्णा कर दिया गया है। तो ये बदलाव है देखने को मिली, लेकिन लाभार्थियों को 8 रुपए में अब 450 की जगह 600 ग्राम भोजन की जो मात्रा है वो मिलेगी, जिसमें मोटा अनाज शामिल किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इंदिरा रसोई की जगह अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम दिया जाएगा इसे। जैसा कि मेरे सहयोगी दीपक ने बताया कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जब उनका कार्यकाल था तब ये अन्नपूर्णा रसोई के नाम से ही जाना जाता था, जिसे फिर से लागू किया गया और राज्य सरकार ने अभी कुछ चीज़ों को लेकर तब्दीलियाँ की है। 8 रुपये में ही लाभार्थियों को ये थाली मिलेगी, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है और इसकी क्वांटिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। तो एक बड़ा बदलाव किया गया है, राज्य सरकार ने संचालित रसोइयों की समीक्षा के बाद ये बड़ा बदलाव किया है। तो अब राज्य सरकार प्रति थाली 17 की जगह 22 रुपए का अनुदान देगी और लाभार्थियों को पहले की तरह ही 8 रुपए में ये भोजन की थाली मिलेगी।